क्या अब आप खुश हैं अम्मी? क्यों, मैंने क्या किया है ये बताओ, तुमने मेरे पीछे जेवरिये से क्या बात की? अभी भी आपको ये जानना है कि क्या बात की? जानती भी हैं आपने क्या किया है? अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है अम्मी। मुझे बहुत हैरत हो रही है बेटे, तुम उस बदतमीज लड़की के लिए अपनी माँ पे चिल्ला रहे हो, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अम्मी आप खुद भी जानती हैं कि आप बिल्कुल फजूल बात कर रही थी। कॉफी बहुत बुरी बनी है, अंडों पे काली मिर्च की कमी है, मैं कितना शर्मिंदा हुआ वहाँ आपकी वजह से। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तारीफें करती हूँ उसकी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है आपसे, मगर उन्हें इंसान तो समझे। मुझे भी वो लोग खास पसंद नहीं है, जुमरुद की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ उन्हें, मोहब्बत करता हूँ उससे। वैसे आप वहाँ क्यों आई जहाँ आपको बुलाया भी नहीं गया? अरे तो क्या उनकी तरफ से दावत का इंतजार करती मैं? आपको नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, उन्हें परेशान कर दिया आपने। और हाँ अम्मी, जब तक मैं जुमरुद को मना नहीं लेता तब तक आपको उन सबसे तहम्मुल से पेश आना होगा। बात सुनो मेरी, मैं उस लड़की को अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं करूंगी, दिमाग में ये बात बिठा लो अच्छी तरह। तो आप भी सुन लें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जुमरुद ही आपकी बहू बनेगी अम्मी। बेटा वो लड़की तुम्हें नहीं चाहती, और तुम चाहे जो भी कर लो वो चाहेगी भी नहीं। वो चाहेगी, जरूर चाहेगी अम्मी, जुमरुद बहुत जल्द मेरी होके ही रहेगी। या अल्लाह, इसे क्या हो गया है? मुझे जिहान की फिक्र हो रही थी, इसलिए देखने गई थी उसे, कुछ बुरा नहीं चाहती थी मैं। मैं जानता हूं उन्हें अभी भी लगता है कि मैंने उसे नुकसान पहुंचाया है, और इससे मुझे बहुत दुख होता है। उस लड़के को ढूंढते हैं, फिर हकीकत जान जाएंगे। काश कि वो मुझ पर यकीन करती तो कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता। जिहान कैसा है? ठीक है, पहले से बेहतर है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं उसकी हालत देख के डर गई थी बहुत। वो बहुत मजबूत और जिद्दी है, आसानी से हार नहीं मानेगा। कुछ चाहिए हो तो गुल से कह देना, बेहतर है कि तुम बाहर मत आना। समझ गई, जिहान ठीक हो रहा है इसकी मुझे बहुत खुशी है।